प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। प्रिय विद्यार्थियों, आप आज जो नया टॉपिक सीखेंगे, नया टॉपिक का दोहरान जो करवाया जा रहा है कक्षा 12th आर्ट्स संस्कृत वाले विद्यार्थियों को, वैसे पहले भी आपको पढ़ा दिया गया था ऑनलाइन में, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो बताया जा रहा है वो है आज का जो नया टॉपिक है अपना है कारक। प्रिय विद्यार्थियों, कारक, कारक का अर्थ क्या है? कारक शब्द का अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया का जनक। क्रिया का जनक किसको मानते? कारक को। कारक क्या होता? करने वाला। परिभाषा दी है, इसकी डेफिनेशन दी है, यह क्रियाम संपादिती, जो काम को संपन्न करता है, पूरा करता है, अथवा यस्य शब्दस्य, या जिस शब्द का क्रिया से है, क्रिया के साथ है, क्योंकि तृतीय पंक्ति आती है, क्रिया के साथ साक्षात या वास्तविकम, वास्तविक संबंध होता है, सहकार कहती थी, कहते थे वह कारक कहलाता है। प्रिय विद्यार्थी, कारक जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा कॉन्टैक्ट होता है, क्रिया के साथ सीधा संपर्क होता है, क्रिया के साथ सीधा उसका संबंध होता है, उसको कहते कारक। संस्कृत पाठ्यक्रमानुसार कारक के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 6, जो इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान अधिकरणम च, इति आहु कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान अधिकरण, ये कारक कितने हैं? 6। प्रिय विद्यार्थियों, जो संबंध कारक है उसको कारक क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जो संबंध कारक की जो व्यक्ति है षष्ठी, जो षष्ठी का रूप होता है किसी भी संज्ञा शब्द का रूप षष्ठी में होता है, तो उसका संबंध सीधा क्रिया से नहीं होता है, इसलिए उस संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है। कर्ता कारक को भी कारक, वो संबोधन कारक को भी कारक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि संबोधन जो कारक है ये कर्ता कारक का ही दूसरा नाम है, कर्ता कारक को ही संबोधन कारक भी कहते हैं, इसलिए संबोधन कारक को कारक नहीं माना गया, क्योंकि कर्ता जो कारक है, प्रथमा जो व्यक्ति है, वही संबोधन व्यक्ति, वही संबोधन कारक है, इसलिए उसको कारक नहीं माना गया है। संबंध कारक को कारक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि संबंध में षष्ठी व्यक्ति होती है, जिस संज्ञा शब्द का रूप षष्ठी का रूप होता है तो उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, उसका सीधा संबंध उसमें जो उस वाक्य में जो कारक होता है उसी का होता है, इसलिए उसको भी कारक नहीं माना जाता है। इसलिए कारक अपने कितने हैं? 6। ये श्लोक के माध्यम से आपको 6 बताइए, लेकिन अन्य उदाहरण और है। भो कृष्ण, हे कृष्ण, नरपश्य पुत्र है, राजा का पुत्र राम है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। स्वहस्तेन, अपने हाथ से, कोषात, खजाने से, निर्धनेभ्य, गरीबों के लिए, नगरी, नगर में, धनम ददाति, धन देता है, इन सब का स्वहस्तेन है, कोषात है, निर्धनेभ्य है, नगरे है, धनम है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सब का संबंध इससे है, ददाति से। कौन दे रहा है? राम दे रहा है। क्या दे रहा है? धन दे रहा है। किससे दे रहा है? अपने हाथ से दे रहा है। किनके लिए दे रहा है? निर्धनों के लिए दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? कोष से, खजाने से, और कहाँ दे रहा है? नगरे। तो इसमें प्रश्न, उत्तर, कारक, विभक्ति, कारक चिन्ह सब बताए गए हैं। प्रश्नम है, कह ददाति, कौन दे रहा है? राम है, तो ये राम है, रा ये रा। तो इसमें राम में कौन सा कारक हुआ? कर्ता। विभक्ति कौन सी? प्रथमा। और कारक चिन्ह नहीं। इसी प्रकार से किम ददाति, क्या दे रहा है? धनम, ये धन दे रहा है। कर्म, द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से जो अगला जो प्रश्न है वो है, केन ददाति, किससे दे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वय हस्ते, अपने हाथ से, इसमें करण कारक हो गया, इसमें विभक्ति होगी तृतीया, और इसमें चिन्ह हो गया से या द्वारा, किसे दे रहा है? स्वय हस्ते, अपने हाथ से, तृतीय विभक्ति होगी। फिर है केभ्य ददाति, किन के लिए दे रहा है? तो इसका उत्तर हो गया निर्धनेभ्य,
गरीबों के लिए दे रहा है। इसमें हो गया संप्रदान और चतुर्थी, और इसका चिन्ह होगा के लिए, ये हुआ। फिर कस्मात ददाति, किससे दे रहा है कस्मात ददाति, किससे दे रहा है, तब लिख देंगे कोषात, खजाने से कोषात, इसमें हो गया अपादान। और पंचमी, पंचमी व्यक्ति से या पृथक के योग में। फिर है आगे है कस्मिन ददाति, किस में दे रहा है, किस में दे रहा है, तो अपन कहेंगे उसको नगरी, नगरी नगर में, ये जा नगरी। कौन दे रहा है, राम, कर्ता राम है, यहाँ पर दे कहाँ रहा है, नगरी, तो नगरी में सप्तमी, क्योंकि जो सप्तमी व्यक्ति है उसका कारक है क्या, अधिकरण, अधिकरण कार, इसकी विभक्ति है सप्तमी, और इसका चिन्ह होगा मे पर, ये होगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि विभक्तियाँ आठ होती हैं, बाकी कारक छः होते हैं। कारकों में दो कारक कारक इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि संबंध कारक का सीधा कॉन्टैक्ट, सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसलिए उसको कारक नहीं माना है। इसी प्रकार से जो संबोधन कारक है उसको कारक किस लिए नहीं माना गया, उसको इसलिए नहीं माना गया कि क्योंकि जो कर्ता कारक है इसी का नाम संबोधन कारक है, इसलिए इसको कारक नहीं माना गया है। इसलिए अपन कारक, अपने कारक हो गए छः, और विभक्तियाँ वैसे आठ होती हैं, वैसे वो विभक्तियाँ मुख्य रूप से छः ही मानी हैं, लेकिन वो आठ हैं क्योंकि क्रम के लिए, और इसके उदाहरण के माध्यम से आपको ये कारक पढ़ाई गई, कारक की परिभाषा, भेद, नियम ये बताए गए। अब आज आपका जो कारक चलेगा वो है, पहला कारक है मतलब कर्ता। प्रिय विद्यार्थियों, कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने, और इसकी विभक्ति है प्रथमा। कर्ता कारक, इसकी परिभाषा है यह क्रियाम, क्रियाया, सॉरी, यह क्रियाया करने, यह क्रियाया करने स्वतंत्र भवति, यह क्रियाया करने जो काम के करने में स्वतंत्र होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे समझो जो काम को करने में स्वतंत्र होता है, जैसे अपन किसी कोई भी समारोह करते हैं उसमें जो कर्ता होता है, काम को करने वाला होता है, वो मुखिया होता है, तो अपन कहते हैं भाई ये काम को करने वाला कौन है, फला आदमी है, ये राम है, ये मोहन है, तो उसको अपन कर्ता कहें, क्यों, क्योंकि जो क्रिया के करने में, काम के करने में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे जैसे अपने पास है, जैसे दूसरी बात यह है कि कारक, कारक किसको कहेंगे, जिसका संबंध सीधा क्रिया से हो, जिसका संबंध किससे हो, क्रिया से हो। जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, ये वाक्य आया अपने, अब यहाँ पर राम है ये करता है, पढ़ने वाला कौन है, क्योंकि राम का संबंध पढ़ने से है, अब राम का संबंध पढ़ने से है तो राम यहाँ पर क्या है, करता, राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर राम कर्ता हो गया। तो अपन इसमें लिखेंगे रेखांकित पदे, रेखांकित पदे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, और इसको कर्ता भी कह सकते हैं अपन, कर्ता विभक्ति अस्ति। रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है, अब इसका रीजन पूछता है कि कारण पूछता है कि क्यों, कर्तृयोगी, कर्तृयोगी यानी कर्ता के योग में प्रथम विभक्ति होती है हमेशा। ते पठंती, वे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ते हो गया कर्ता। आवाम
पठावे, हम दोनों पढ़ रहे हैं, तो आवाम हो गया यहाँ पर। यानी कर्ता उसी को कहेंगे जो काम को करने में स्वतंत्र रूप से रहता है, जो काम को स्वतंत्र रूप भाव से करता है उसको कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक का इतनी ही मतलब आपको पहचान याद रखनी है, संज्ञा शब्द की, संज्ञा शब्द को प्रथमा विभक्ति के रूप में कर्ता के रूप में लिखेंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति रहेगी। प्रथमा विभक्ति का रूप चाहे एकवचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, उसमें सब में प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक रहेगा। आज का वीडियो यही रहेगा, आज का वीडियो के माध्यम से आपको यही बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।